हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेयर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरोगेटिव का एक नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेंटेंस दिखा आपको, तुम्हारे घर कल कौन आया है। हमने देखा इस सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड रखा है। जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लगाते हैं। लगाओ आप कौन की क्या होती है। मैंने आपको कल बताया था, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, हु क्या होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है आपका इंपर्टी सब्जेक्ट, मतलब खाली सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो आपका अलग क्या, अब क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ड आनी चाहिए। अच्छा, हेल्पिंग वर्ड इसके बाद आती है, नहीं आती है, क्योंकि टेंस कौन सा है आपका, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस किससे बनता है, देखिए अगर किसी टेंस में या किसी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए आ शब्द आते हैं तो वो टेंस कौन सा बनता है, पास्ट। पास्ट किससे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो बना दो इसमें, देखो आना क्या होता है, कम, तो आप क्या लाएंगे इसमें, केम। यस, इसमें सिंपल वाला कंसेप्ट लगता है, ना कि डिड, ना कि डू, ना कि डस। अगर इंडेफिनेट होता तब भी डस नहीं लगता, इसमें एस या ई एस लगता। तो हु केम टू योर हाउस, यस। अब इसमें क्या करते हो, कल, अगर कल की बात करें, कल का मतलब यस्टरडे भी होता है, कल का मतलब टुमारो भी होता है। अगर टेंस आपका पास्ट है तो यस्टरडे लाएंगे, अगर टेंस आपका फ्यूचर है तो क्या लाएंगे, टुमारो। तो हमारे टेंस तो पास्ट हुए तो क्या लाएंगे, यस्टरडे। इस तरीके से तुम्हारा टेंस क्या है, तुम्हारे घर कल कौन आया, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। इस सेंटेंस आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। हमने देखा इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड गिवन है। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के अंदर गिवन है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। अब आपका क्वेश्चन वर्ड लग गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, टेंस की पहचान कर लो। हमने देखा टेंस में क्या है, आर ई ए, तो किसमें आते हैं, पास्ट में आते हैं। पास्ट टेंस किससे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म होगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट किससे बनेगा, डिड से बनता है। तो आप लगा दो इसमें वेयर डिड। अगर आपका ये सेंटेंस सिंपल होता तो सेकंड फॉर्म लगाते। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डिड का यूज किया जाता है। तो वेयर डिड, तुम्हारा भाई इसमें क्या है, सब्जेक्ट। तो योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर, जाना क्या होता है, गो। अब तो कल देखा तो यस्टरडे, यस। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम कब लौट कर आया। हमने देखा आ ये किसमें आते हैं, पास्ट में, लेकिन पास्ट किससे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड गिवन है, तो अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड गिवन है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाओ। वेन की इंग्लिश क्या होती है, वेन, मतलब कब और जब, दोनों की इंग्लिश वेन होती है। ये लग गया आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब क्या आना चाहिए आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, राम। उसके बाद में क्या लाएंगे, मेन वर्ब। आना क्या होता है, वापस आना, रिटर्न। अच्छा, रिटर्न आएगा या फिर रिटर्न आएगा, दो बात है। हमें पता है कि पास्ट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो हम सेकंड फॉर्म एक बार लगा चुके हैं, अगर सेकंड फॉर्म एक बार टेंस फॉर्म लगा चुके हैं तो दोबारा सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। अब इसमें क्या है, कल सब नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया फिर आपका। When did Ram return? इस तरीके से आपका टेंस हो जाएगा। Let it go. Next sentence देखते हैं। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया? देखो ये भी क्या है? इसमें आ रहा है तो past है। Past किससे बनेगा? Second form से बनेगा। अच्छा इसमें कल आ रहा है, मतलब yesterday लगा देंगे इसमें। अगर question word शुरुआत में दिया है, yes? अगर question word शुरुआत में दिया है तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्प पर पुट करते हैं। तो पास्ट की हेल्प वर्ब क्या होती है, डिड, लगा दो डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो डिड तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, ये सब्जेक्ट आपका। व्हेन, नॉट व्हेन तो है नहीं इसमें, डिड योर सिस्टर, यस। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, डिड योर सिस्टर। गाना गाना क्या होता है, सिंग, सिंग अ सॉन्ग। कल है तो कल, अगर पास्ट की इंग्लिश लिखेंगे तो
yesterday. अगर कल की इंग्लिश अगर फ्यूचर में हिंदी होती तो मैं टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम वहां क्यों जा रहे हो? देखो हमने देखा लास्ट में क्या है, हुए किसमें आते हैं, प्रेजेंट में, है ना। प्रेजेंट किससे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब चीजों को लिखेंगे कम और समझेंगे ज्यादा। देखो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क दिया है आपका, क्यों? तो अगर सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क दिया हो बीच में, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं हम। तो क्यों क्या बोलते हैं इसमें, व्हाई। जैसे आपने कोई क्वेश्चन मार्क लगाया उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो बताओ मुझे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर या इज या एम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज भी होती है, आर भी होती है, एम भी होती है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगा दो। तो मैं लगा दिया आर, तो वाई आर सब्जेक्ट क्या आपका, यू। तो यू क्या होता है, प्लूरल, इसलिए मैंने क्या लगा दिया आर। इतना समझ आया आपके, तो वाई आर यू। चाना क्या होता है, गो। इसमें क्या लगेंगे हम आई एन जी, क्योंकि बी की कोई फॉर्म आ गई तो मेन वर्ब में आई एन जी लगना स्वाभाविक है। यस, तो व्हाई आर यू गोइंग, कहाँ आ रहा है व्यक्ति, वहाँ आ रहा है, वहाँ क्या बोल दिया हम, देयर। व्हाई आर यू गोइंग देयर। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है? हमने देखा लास्ट में क्या है, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए है, हुए किसमें आते हैं, प्रेजेंट में। प्रेजेंट किससे बनता है, फर्स्ट फॉर्म से बनता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड रखा है, हु मतलब कौन, मतलब हु। तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया पहले उसकी इंग्लिश लिख दो आप पहले। देखो हु लिख दिया आपने, मैंने आपको बताया था हु क्या होता है, आपका इंपर्टिव सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का काम करता है। तो वो जो कोई आपके नाम का कोई पीट रहा होगा वो व्यक्ति कितने हो, एक ही तो होगा, तो इसीलिए इसकी हेल्प को क्या देंगे, इज, हु इज। यस, अब पीटना क्या होता है, बीट। इसमें क्या लगा दो, आई एन जी लगा दो, हु इज बीटिंग। आई एन जी क्यों लगेगी, क्योंकि जब कोई सेंटेंस के अंदर बी की फॉर्म यूज होती है तो मेन वर्ब में आई एन जी का यूज किया जाता है। तो हु इज बीटिंग, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा नौकर, योर सर्वेंट। इस तरीके से तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखो अगर टेंस है आपका, बच्चा कितना दूध पी रहा है। देखो अब एक कंसेप्ट समझेंगे आप, कितना, कितनी, कितनी, इसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच। आप कह सकते हो हाउ मैनी, दोनों में क्या अंतर होता है, थोड़ा जानते हैं इसको। देखो हाउ मच, हाउ मच का यूज वहां किया जाता है जब हम किसी चीज को गिन नहीं सकते। जैसे कि इसमें क्या है, बच्चा कितना दूध पी रहा है। अच्छा दूध को हम गिन सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं गिन सकते, तो किसका यूज होगा, हाउ मच का यूज होगा। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, यस गिन सकते हैं, तो उनके साथ क्या आता है, हाउ मेनी यूज होता है। जैसे टेंस का यूज होगा, हम समझ से चलेंगे ये करके। हमने देखा बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो कितना, कितनी, कितने, ये होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड। टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट। प्रेजेंट किससे बनता है, वर्बी, फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो पहले इनकी इंग्लिश लिखो आप, तो कितना दूध। दूसरी चीज, जो वर्ड होता है आपका कितना, कितने, कितने, इसके साथ में जो शब्द लिखा होता है उसकी इंग्लिश साथ में जल्दी लगाना, गलती नहीं करना कि आपने हाउ मच लिख दिया फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, टेंस आपका गलत हो जाएगा। तो देखना कितना, कितने, कितने ये शब्द आते हैं, तो हाउ मच और हाउ मैनी के साथ जो शब्द गिवन है उसको साथ में लेके चलते हैं हम। तो मैंने लगाया हाउ मच, हाउ मच दूध क्या बोलते हैं, मिल्क। आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने हाउ मच ही क्यों लगाया, क्योंकि हम दूध को काउंट नहीं कर सकते। जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसके साथ लगता है हाउ मच, अगर किसी चीज को हम गिन सकते हैं तो उनके साथ आएगा हाउ मेनी। इतना क्लियर आपका। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में या किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम अपनी वीडियो को और सुधार कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी है या आवाज की कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो हाउ मच मिल्क, टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट। क्या लगेगा, हैज़ मदर, इज। अच्छा बच्चा है तो बोलेंगे द चाइल्ड। पीना क्या होता है, टेक। पीना, खाना, टेक। इसमें क्या लगेगी, आई एन जी, क्योंकि हमने बी की फॉर्म यूज किया है, तो आपका टेंस बन जाएगा हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड टेकिंग। चलिए देखिए अगला सेंटेंस, कितनी लड़कियां ड्रामा भाग ले रही है। यस, हमने देखा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट किससे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरी चीज, तो कितनी लड़कियां, अब आप मुझे ये बताओ कितनी लड़कियां, क्या आप लड़कियों को काउंट कर सकते हैं,
लो सोच के देखिए, हाँ अगर काउंट कर सकते हैं तो ये क्या हो गया आपका, काउंटेबल हो गया। अगर कोई भी चीज काउंट किया सकती है वो काउंटेबल होता है, जो चीज काउंट नहीं किया सकती वो अनकाउंटेबल होता है। तो बताओ कितनी लड़कियां काउंट कर सकते हैं, इसका यूज होगा हाउ मेनी का यूज, तो लगाओ हाउ मेनी। मैंने आपको अभी बताया हाउ मेनी हाउ मच ये क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं हाउ मेनी। अब इसके साथ में क्या शब्द दिया है, लड़कियां दिया है, इसको लगा दो गर्ल्स। इसके साथ में जो शब्द दिया होता है उसको साथ लेके चलता है, तो हाउ मेनी गर्ल्स। सेंटेंस आपका प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, बना दो, फर्स्ट फॉर्म से बनता है। फर्स्ट फॉर्म किसकी होनी चाहिए, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म दोगे लेकिन आपका सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, आर इज, आपने बोला आर आई सर, हाउ मेनी गर्ल्स आर। अच्छा ड्रामा भाग लेना क्या होता है, तो आप बोलोगे टेक पार्ट, किसी भी चीज में भाग लेना बोलेंगे टेक पार्ट। इसमें क्या लाएंगे आईएनजी, देखिए टेक और पार्ट। अब तो हमें इस टेक में क्या लगानी है आईएनजी, मैं ये वाला कंसेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, वर्ब में आईएनजी कैसे लगाएं उस वीडियो को आप देखिए, आप इसको सही कर पाओगे। देखो अगर किसी शब्द के लास्ट में क्या लगा हो, ई लगा हो और उसमें हमें आईएनजी ऐड करनी हो तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, इस वीडियो को आप जरूर देखें, 5 मिनट के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में ई लगा हो, अगर हमें आईएनजी ऐड करनी हो तो ई को रिमूव करते हैं, मतलब हटाते हैं, फिर आईएनजी ऐड करते हैं। यस, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। अगर आप लोगों को टेंस समझ में आ रहे हैं हमारे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, देखिए अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, हमारा जो कंटेंट है टॉप लेवल तक जाएगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको टेंस सिखाए जा रहे हैं तो आप शिद्दत के साथ में टेंस सीखिए। चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उस बच्चे ने कितना दूध पिया। देखो लास्ट में क्या लिखा है, आ ई किसमें आते हैं पास्ट में, पास्ट किससे बनता है सेकंड फॉर्म से। दूसरी बात कितना दूध क्या दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है। देखो दूध को काउंट कर सकते हैं, अब बोलोगे नहीं कर सकते, लगा दो हाउ मच। यस हाउ मच मिल्क, लगे आपका सब्जेक्ट मिल्क। अब क्या है इसमें हेल्प को मान लीजिए, पास्ट की हेल्प क्या होती है, आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, उस बच्चे ने, यस उस बच्चे ने, तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। तो अब ये टेंस पास्ट का है तो इससे कोई दिक्कत नहीं आना है, सिंगुलर क्या प्लूरल क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो उस बच्चे ने तो आप लगाएंगे दैट बेबी। अगर ये टेंस आपका प्रेजेंट का होता, अगर यहाँ पर लिखा होता दोज बॉयज, तो यहाँ पर क्या रहता आ हो जाता। अगर यहाँ पर लिखा होता दैट बॉय, यहाँ पर क्या रहता इज हो जाता, इसीलिए। तो हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी पीना क्या होता है, टेक या डिंग लगा सकते हो, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। देखो गा गी गे किसमें आते हैं, फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर किससे बनता है, विलेज सेल से बनता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है तो हेल्प वर्ड पहले आनी चाहिए, तो इसमें क्या आएगी फ्यूचर की हेल्प वर्ड विल, लगा दिया आपने, क्या आएगा आप सब्जेक्ट, तो विल योर ब्रदर, ये तो आपका सब्जेक्ट बचा, तुम्हारे भाई नहीं आएंगे, तो देखो विल योर ब्रदर। अब लगेगी नॉट, आना क्या होता है कम, कब, अब देखो इसमें कल, अगर फ्यूचर में कल आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, टुमारो लगाते हैं, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। इससे आगे कंसेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। थैंक यू।